वो सही तरह से नहीं हुआ, परिवार वालों का आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कोई कमजोरी तो रही ही होगी, लेकिन हॉस्पिटल में भी जो टीम लगी थी उसने अपने से तो भरपूर प्रयास किया ही होगा, लेकिन अगर समय रहते ही इस प्रिंस को भी शिफ्ट किया गया होता तो शायद आज इसकी मौत नहीं हुई होगी, वो बच भी गया होता। लेकिन जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्हें ये विश्वास था कि हम इसको बचा लेंगे, हमने इसको बचा लिया है, ऑपरेशन कामयाब कर लिया है। लापरवाही के खिलाफ, लापरवाहियों की बात करें, 2 तारीख को एक बड़ी लापरवाही होती है क्योंकि सैनिटाइज किए बिना इस इलाके को ओपन कर दिया जाता है, एक धमाका होता है जिसमें मजीद 2 बच्चे अपनी जाने गंवाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की तरफ से जो मांगें कही जा रही हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, बल्कि उन पर सिर्फ सियासत खेली जा रही है। आज भी लोगों जिस तरह लोगों के अंदर आज भी गुस्सा है, दोबारा लोगों के अंदर है कि अगर NIO को केस नहीं दिया जाता इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। शर्मा साहब, ये वक्त है सियासत का या लोगों को इंसाफ दिलाने का वक्त? इस समय हम सबको इकट्ठे होकर जहाँ जो शहादत हुई उनके परिवार वालों को संवेदना देने का वक्त है, और इस जंग और इस युद्ध को इकट्ठे होकर लड़ने का समय है। रही जो नाराज़गी आपकी, आप कह रहे हैं कि भी लोगों में निराशा है, ये बिल्कुल सही है, लोगों में निराशा तो होगी ही। जिनके घर से एक व्यक्ति चला जाता है, यहाँ तो शीशे साथ साथ एक ही परिवार से लोग जो हैं उनकी शहादतें हुई है, लोगों में रोष है और स्वाभाविक भी है। MP साहब, LG साहब ने यहाँ आश्वासन दिया था कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी, फिर उनके आश्वासन के बाद भी क्यों कमी हुई इलाज में? नहीं, प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन जो लोग इलाज कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि हमने भी भरपूर प्रयास किया है लेकिन नहीं बचा सके। सर, आज जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो उनके अंदर से एक बुलेट निकलता जो है, उनके अंदर से बुलेट निकलता है। इस विषय पर तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बुलेट शरीर के अंदर था तो उसकी जानकारी जो है वो रहनी चाहिए थी डॉक्टरों को भी, तुरंत क्या कार्रवाई होगी, क्या आश्वासन देंगे? समय रहते उसको निकाल भी लेना चाहिए। शर्मा साहब, अब लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक NIA को केस दे के रिटर में नहीं दिया जाएगा इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गांव एक ऐसा गांव है जहां हर रोज इस तरह की अब खबरें आनी शुरू हुई। 1 तारीख के बाद ये 7वां बच्चा है जिसने जान गंवाई है। ये इसलिए आ रहा है कि लोगों में एक रोष है, लोगों को लगता है कि भाई शायद अभी तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा नहीं गया, और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो मिलिटेंट भी आज तक पकड़े नहीं गए। वो कहाँ ठहरे थे, उन्हें खाना किसने खिलाया था, वो किस रास्ते आए थे, उन्हें रास्ता किसने दिखाया था, इस सब पर पुलिस कार्रवाई जो है वो कर रही है। सर, इन लोग जो मांग हो रही है यहाँ की आर्मी की पोस्ट लगाई गई। सर, मतलब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, सिर्फ कश्मीर की तरफ तवज्जा दी गई, हमारा पीर पंचार रेंज या जम्मू रेंज छोड़ा गया जिस कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, हालांकि आपकी गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता थी क्योंकि जम्मू के अंदर बहुत सारे हादसे इससे पहले हो चुके थे, मिलिटेंट को मारा गया, उसके बाद इन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया, यहाँ के लोगों की गन्ने वापस ली गई, जिस कारण 1997 के बाद दोबारा इस तरह का बड़ा हादसा इन लोगों ने देखा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, तभी तो मिलिटेंट जहां तक पहुंच गए हैं। हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कितनी सतर्क हैं इस पर हमें विचार करना ही होगा, और उनको और मजबूत करने के लिए हमें प्रयास जो है वह करने होंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई और ऐसी वारदात जो है वो ना हो। रही बात लोगों की रोष, वो स्वाभाविक है, लोग तो चाहेंगे कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो NIA के द्वारा की जाए, कारण कि अभी तक यहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी हम सब आशा कर रहे थे। कुछ लोगों को उठाया जा रहा है लेकिन दूसरे दिन उनको छोड़ा जा रहा है, लोगों का ये है कि सिफारिश के तहत VDC DDC के फ़ोन आ जाते हैं उसके बाद उन लोगों को छोड़ा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो रही है, लोगों का ये आरोप है, क्या कहेंगे? देखो, लोग तो अपनी शंकाएँ जाहिर कर ही रहे हैं, ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं बेहतर है कि आप पुलिस ऑफिसर जो जहां पर आए हैं उनसे आप करें तो ठीक रहेगा, लेकिन जो मेरी बात पुलिस ऑफिसरों से हुई है उनका कहना है कि हम जी जान से लगे हैं और थोड़े ही दिनों में कलियों भी सामने आ जाएंगे, और जो लोग चाहते हैं कि भाई मिलिटेंटों को पकड़ा जाना चाहिए या जिन्होंने उनको शेल्टर दिया है वो भी सामने आने चाहिए, तो पुलिस के मुताबिक जल्द ही
ये सारे क्ल्यू भी सामने आ जाएंगे और लोग वो पकड़े जाएंगे जिन्होंने उनको शेल्टर दी थी, और बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और उन्हें भी जो उन्होंने वारदात की है वो कोई छोटी वारदात नहीं है। और हम नहीं चाहते कि भाई पुंछ रजौरी दोबारा से डिस्टर्ब हो, इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और होगी। सर क्या कार्रवाई?